हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पंच ब्लेड टेक्निक। पंच ब्लेड टेक्निक का इंट्रोडक्शन होता है और फिर उससे क्या किया जाता है, स्मॉल चीजल लाइक टूल्स बनाए जाते हैं। जैसे कि दो टूल्स होते हैं, चीजल और बोरिंस। ये दो टूल्स होते हैं। चीजल इस टाइप का होता था, ऊपर से थोड़ा सा ऐसे होता था और फिर नीचे जाके थोड़ा पैना सा बन जाता था ये। और बोरिंस थोड़ा इस प्रकार का होता था, ये थोड़ा नट जैसा होता है, आग पूरा लंबा पैना होता है और पीछे एक बड़ा वाला हिस्सा होता है। तो दो टूल्स बन गए थे, चीजल्स और बोरिंस। ठीक है, ये कैसे बनाए जाते थे, पंच ब्लेड टेक्निक से। ये टेक्निक अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इन टूल्स का यूज किया जाता था, कुड बी यूज टू एनग्रेव बोन्स। बोन्स में एनग्रेव करके कुछ भी लिखा जा सकता था, इवोरी और वुड और एंटलर। इवोरी क्या होता है, टस्क ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट के जो टस्क होते हैं दो ऐसे, उन दोनों पे भी लिखा जा सकता था इनकी मदद से। वुड को भी कुरच कुरच के लिख सकते थे इनके जैसे, और एंटलर यानी कि हिरन के सिंगों पे भी लिख सकते थे। ठीक है, अब पढ़ते हैं पंच ब्लेड टेक्निक। पंच ब्लेड टेक्निक क्या होती है, सबसे पहले एक बड़ा सा पत्थर लिया जाता है और दूसरे पत्थर से उसे मार के उसका सरफेस फ्लैट कर देते हैं बिल्कुल, सेकंड एक प्रोसेस में। उसके बाद फ्लैट करने के बाद एक पतला सा वो लेते हैं, छेद करने वाला, इस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं छेद करने वाला टूल होता है, इसे कहते हैं पंच ब्लेड टूल, छेद करने वाला टूल, छेद करने वाला टूल। इससे क्या होता है, यहाँ पे जैसे ये हमारा ये है, अब ये इधर मारोगे तो इधर से ऐसे टूट के निकल जाएगा, जैसे टूट टूट के निकल रखे हैं तो अब ये निकल जाएंगे ऐसे टूट टूट के, और इनसे ऐसे बन जाएगी चीजल और बोरिंस। ठीक, ये होता है हमारा पंच ब्लेड टेक्निक, यानी कि एक बड़ा पत्थर होगा उसे फ्लैट कर देंगे ऊपर से, फिर उस पर एक पतले से पंच ब्लेड से मारेंगे और फिर ऐसे पतले पतले से रोक के पार्ट्स निकल जाएंगे, उन्हें फिर हम पॉलिश वगैरह करके चीजल्स और बोरिंस जैसे टूल्स बना लेंगे। ठीक है, और फिर चीजल्स और बोरिंस से हम एनग्रेव कर सकते हैं बोन्स, इवोरी, वुड और एंटलर को। तो थैंक यू, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उधर से डाउनलोड कर लेना।